साहब, पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही, और आज ही 20 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। 40 से ज्यादा अफराद जान बहक हो गए, जबकि जख्मियों की तादाद 200 के करीब बताई जा रही है। उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। धमाके में 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। आपको पता भी है साथ साथ के एक यूएस इंडिया कंस्पिरेसी है कि सीपैक सक्सेस ना सक्सीड करना जाए। तो ये तो ओपनली मैं आपको बता दूं कि ये हमारे दुश्मन जो है ये इंडिया करा रहा है। उसकी वजह ये है कि वो जो है यहाँ पे सुकून चाहता ही नहीं है पाकिस्तान में। चाइना हो जाए, भारत हो जाए, अमेरिका का किरदार हो जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ जिसका ब्रंट पाकिस्तान को टारगेट हो सकता है। सीपैक टारगेट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। भारत में पिछले कुछ सालों से एक आवाज उठ रही है कि हम बहुत जल्द पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने वाले हैं। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे। तो दो, एक तो राजनाथ सिंह का मेरे दिमाग में बिल्कुल मैं समझ नहीं सका सुरूं कि ये बयान ये क्यों दे रहे हैं इस वक्त कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं, हम चाहें तो क्रॉस करेंगे, हम फिर क्रॉस। यहाँ पे एलओसी पे तो सीज फायर है, तो सुकून है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों चाइना के वाइस प्रीमियर पाकिस्तान आए हुए हैं सीपैक की 10वीं एनिवर्सरी को बनाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने भी धमाकेदार वेलकम किया है अपने मालिक चाइना के वाइस प्रीमियर का। उनके कदम पाकिस्तान में रखते ही पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें अब कहा जा रहा है कि 80 लोगों से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है। ये धमाका एक पॉलिटिकल पार्टी के रैली में किया गया, जेयूआई के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी मारे गए हैं। एक तरफ जहां दोस्तों पाकिस्तान अपने फ्रेंडली नेशन से कह रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस तरह के बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। दूसरी खबर भारत से काफी इंटरेस्टिंग आ रही है और वो ये है कि चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब भारत चंद्रयान 4 बनाने में जुट गया है और ये मिशन भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि इसमें भारत और जापान मिलकर के चंद्रयान 4 बनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हाल ही में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कारगिल विक्ट्री डे पर द्रास में हमारे फौजियों से बात कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि उस समय यानी कारगिल के दौरान उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं की तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पार नहीं कर सकते थे, हम एलओसी पार कर सकते थे, हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी पार करेंगे, इसका मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। ये बयान राजनाथ सिंह जी का है। इसी बयान के बाद एक बार फिर से, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर 2-3 महीने में ये बहस छिड़ जाती है कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने वाला है। जो बात उन्होंने कही वो बिल्कुल सही कही है, इससे मैं कंटेस्ट नहीं करता कि हम जो है सरहद क्रॉस कर सकते हैं, और अवाम को यकीन दिलाया कि किसी वक्त अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम क्रॉस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्रॉस करने की कैपेसिटी जो है वो भारत रखता है, भारत की मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री से कहीं गुना स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग बिल्कुल ही मिलिट्री वार साइंस के नुक्ता नजर से देखा जाए तो एक ह्यूज किस्म की मशीन है जिसका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें जितनी स्पेंडिंग इस वक्त भारत कर रहा है अपनी मिलिट्री मशीन पे, पाकिस्तान उसके अशरे अशीर किया बिल्कुल उसकी कंपेरेटिवली वो समझ लें कि एक जो है पीनट के बराबर है उसका। ऑलरेडी जो जर्नल्स थे चले गए या हैं उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई कर सकें, तो जिसका मतलब यह है कि अगर किसी वक्त हिंदुस्तान ये तय करता है कि हमने सरहद क्रॉस करनी है तो मुमकिन है वहां पे बिल्कुल ही कोई रेजिस्टेंस ना हो, या हो भी तो इतनी एक हो जो कि मैटर नहीं करती। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो उन्होंने की है, ये जो उनकी स्टेटमेंट है ये उन्होंने एक तो अपने जो वारमोंगर्स फॉलोवर्स हैं उनको यकीन दिलाया कि हमारे पास एक कैपेसिटी है
और दूसरी तरफ जो है उन्होंने अपनी जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसको एक्सप्रेस किया है फॉर द पर्पस ऑफ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, कि उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने राजनाथ सिंह जी के इस बयान पर अपना रद्दअमल दिया है और ये कहा है कि जो कोई भी पाकिस्तान की तरफ एक नज़र उठा के देखेगा हम उनका जवाब देने के लिए केपेबल हैं। तो मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई कोशिश होती है एलओसी को उबूर करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के उस इलाके को लेने की, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से एक रद्दअमल आएगा। शायद यही वजह है कि पिछले 75 साल में हमने एलओसी क्रॉस नहीं की और अब जबकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं तो इस बात का ख्याल दोनों को है कि इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग का कल को क्या नतीजा हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। पहली बात यह है कि ये भी दुरुस्त नहीं है कि एलओसी क्रॉस नहीं हुई है। प्रैक्टिकली जो जंगें हुई हैं एलओसी से मदद सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि शहर आते हैं जहां जहां भी हैं। अगर आप एलओसी कश्मीर में क्रॉस करते हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर वाघा में क्रॉस करते हैं एक ही बात है। डेफिनेटली जो वजारत खारजा ने बयान दिया है वो भी सही है, वो रजिस्ट तो करेंगे। अब ये बात नहीं कि जो उन्होंने फौजें लगाई हुई हैं वहां पे हजारों की तादाद में वहां से इंडिया क्रॉस करेगा तो वो गोली नहीं चलाएंगे या भाग जाएंगे, ऐसे तो नहीं होता, ना कहीं दुनिया में होगा। वो डेफिनेटली जो है वो रेजिस्टेंस होगी। लेकिन ये वजारत खारजा का भी ये टिपिकली रटा रटाया एक बयान है जो वो गुज़श्ता 70 साल से दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह राजनाथ सिंह साहब का बयान है कि ना उन्होंने क्रॉस करनी है ना इन्होंने रेजिस्ट करना है। तो इसलिए एक काम जब होना ही नहीं है तो उसमें हमें क्या है कि हम कोई बयान ना जारी करें। क्यों नहीं क्रॉस करनी भारत ने, ये सवाल उठेगा, क्योंकि लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि वो दिन बहुत नजदीक आ रहा है जब हम वहां पर हमला करके उस खत्ते को लेने वाले हैं। आखिर हमारी पार्लियामेंट की एक उस पर रेजोल्यूशन है, हम उसे भी अपना इंटेग्रल पार्ट मानते हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली में उनके लिए सीटें भी रखी हुई हैं, तो क्यों नहीं लेंगे? देखें जी, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये इतना सादा नहीं है कि आपने सीटें रखी हुई हैं या पार्लियामेंट में कोई भी मुल्क किसी भी अपनी पार्लियामेंट में बैठ के कोई करारदाद पास कर सकता है। जब भी अभी मैंने कहा आपको कि इवन आज़ाद कश्मीर असम्बली जो है वो ऐसी ऐसी करारदादें पास करती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है और ये इतना सीधा सादा इशू नहीं है। मेरे ख्याल में मेरे आपके सवाल का जवाब मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैंने कह दिया था कि एक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए या माइलेज गेन करने के लिए तो ये है, लेकिन अगर आप इसको सीरियसली डिस्कस करें तो सवाल ये पैदा होता है कि भारत को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो आज़ाद कश्मीर का 4,500 मुरबा मील इलाका जो है, बाय द वे इज 4,500 स्क्वायर माइल टेरिटोरी विद द पॉपुलेशन ऑफ 4 मिलियन पीपल। अगर आप सिर्फ बात पीओके कहते हैं जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, अगर आप उसको गिलगित बल्तिस्तान भी साथ जोड़ते हैं तो वो टेरिटोरी ऑफ 28,000 किलोमीटर है, लेकिन उसके साथ माइल है, सॉरी माइल्स किलोमीटर नहीं, और उसकी पॉपुलेशन अलबत्ता कम है, वो तकरीबन 20 लाख या इसके लगभग है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतनी छोटी सी टेरिटोरी है ये इसकी भारत को क्या जरूरत पड़ गई कि वो एक इतना बड़ा रिस्क लेके, जैसा कि आपने कहा दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग छेड़ने का रिस्क लेके, तो इस तरह का कोई एडवेंचर करेगा, और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं? जरूरत ये पड़ी है, लोग कहेंगे कि भाई हमारे जम्मू और कश्मीर का ये एक अटूट अंग है जो कि कहा जाता है कि इंटेग्रल पार्ट है जी, हमने 1947 से ये हमारे पास आना था लेकिन पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, अब वापस लेना चाहते हैं। नहीं, ये बात तो वो लोग करते हैं जिनको ना तो जम्मू कश्मीर की डिस्प्यूट का पता है, ना हिस्ट्री का पता है, और ना उनको पता है कि ऑन ग्राउंड जो है वो सिचुएशन क्या है। वो जब लफ्ज जम्मू कश्मीर आता है तो उनके जहन में अजीब करीब किस्म के नक्शे आ जाते हैं, तो वो इस तरह की बात करते हैं। चूंकि अवाम जो है उनका यही, जिस तरह पाकिस्तान में 80% अवाम ये बिलीव करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारी शाहराग है। इंटेग्रल पार्ट जो होता है ना, जिसको आप अटूट अंग कहते हैं, वो तो फिर भी कुछ चीज नहीं है, जो है आपकी जो जगुलर वैन जिसको है, जो आपकी जिंदगी और मौत के लिए लाजम है,
तो वो 70 साल बगैर अपनी शाह रख के गुजार चुके और आखिर में जाके उनका जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप थी उसने ओपनली सरेंडर किया और कहा कि भाई हम उस शाह रख के सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते, और जो उनकी पॉलिसी थी वार की पॉलिसी उसी शाह रख के लिए उस पर भी सरेंडर किया और जनाब एक तरह की खामोशी इख्तियार कर ली। अब आपको पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन के बयान में ये बात नजर नहीं आएगी कि कश्मीर हमारी शाह रख गए।